देखिए उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी के वो नेता हैं, तो भाई वो हमको और हमारे नेता को थोड़े मानेंगे, वो तो मानेंगे उन्हीं को ना, उनकी पार्टी का मामला है। वो जानते हैं कि हिस्सा लेकर क्या करेंगे, जलील होंगे। कांग्रेस पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, कमजोरों को, अल्पसंख्यक को लंबे समय तक शासन करके कुछ नहीं दिया तो क्या पाएगी कांग्रेस। यही अपील करेंगे कि एक भी वोट छूटने न पावे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बड़ी मेहनत से ये हमको आपको वोट देने का अधिकार दिया है, और ये वोट आपके भविष्य, आपके विकास, आपके बच्चों के भविष्य निर्भर करता है। और घर से निकल करके हम सभी मतदाताओं से, जो सातवें चरण के देश के मतदाता या पूर्वांचल के, यूपी के पूर्वांचल के जो 13 सीटों के चुनाव बाकी हैं, उन सीटों पर हम मतदाताओं से कहूँगा कि घर से सुबह निकल करके बूथ पर जा करके मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आखिरी चरण का मतदान है, उसी बीच कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी प्रधानमंत्री को लेकर पसंद राहुल गांधी है। देखिए उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी के वो नेता हैं, तो भाई वो हमको और हमारे नेता को थोड़े मानेंगे, वो तो मानेंगे उन्हीं को ना, उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन हम लोगों ने बहुत पहले ही NDA गठबंधन ने तय कर लिया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और आप देखिएगा ना, 4 जून को जब गिनती होगी तो 4 बजे आप ही लोगों की स्क्रीन पर 400 पार का रिजल्ट आएगा। इंडिया ब्लॉक ने आज मीटिंग बुलाई है जिसमें वो 4 तारीख के बाद के जो कोर्स ऑफ एक्शन, क्या करनी, कैसे कार्यप्रणाली होगी, उसको डिस्कस करेंगे। वो विदेश जाने की तैयारी करेंगे आज। ठीक है सर। एक बड़ा विवाद हो रहा है कि प्रधानमंत्री कन्याकुमारी गए हैं, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार निशाना। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, इसके वजह से वो बिना वजह बोल रहा है। सबको छूट है, वो क्यों नहीं जाते? वो तो भगवान राम के मंदिर जाने से लोग इनकार कर दिए। पूरा देश अपने अपने धर्म को, अपने प्रभु को मानता है, लेकिन वो तो नहीं मानते, नहीं गए। जब विधानसभा के जो सदस्य शपथ लेने वाले लोग स्पीकर की बात नहीं माने तो उनके विषय में क्या कहना है। वो जहाँ हैं खुशहाल रहें, और सत्ता के लिए अब न लड़ें, अब घर में अपने खुशहाली से रहें। और जहाँ जहाँ विदेशों में लोग होटल बना लिए हैं, जमीन ले लिए हैं, वहीं जाके खेती करें, होटल में मजा लें। आखिरी सवाल सर, आज से एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि वो एग्जिट पोल में हिस्सा, जो डिबेट होगी उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। वो जानते हैं कि हिस्सा लेके क्या करेंगे, जलील होंगे। कांग्रेस पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, कमजोरों को, अल्पसंख्यक को लंबे समय तक शासन करके कुछ नहीं दिया तो क्या पाएगी कांग्रेस। वही हाल सपा बसपा का है। तो ये सब लोग जान चुके हैं, डिबेट में जाएंगे तो जलील होंगे, पूछा जाएगा कि कहाँ गया आपका काम, कहाँ गया नारा, तो क्या जवाब देंगे। इस नाते वो लोग पहले से जान रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार जब स्क्रीन पर चलेगा तो जवाब क्या देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।